बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बहरीन सत्तैन। देखें आप मेरा यूट्यूब चैनल। जैसे कि नाज़रीन, अपने चैनल पे आपके साथ हल्की फुल्की खबरें, कुछ शोबिस की खबरें शेयर करती हूँ, कुछ दिल की बातें भी करते हैं। आज इस वीडियो में आपके साथ दो बड़ी मशहूर हमारी अदाकार आए हैं, उनसे मुतालिक कुछ खबरें बहुत गर्म हुई हुई है। और मेरी कोशिश होती है कि कुछ अगर खबरें ऐसी होती हैं जिनके अंदर कोई कॉन्ट्रोवर्सी भी हो या कोई बात क्लियर करने वाली हो, वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँ। तो फरियाल महमूद एक बड़ी मशहूर अदाकारा है, उनके बारे में एक खबर जो है वो बड़ी गर्दिश कर रही है, खास तौर पे उनकी एक फिल्म जो कि इस वक्त बड़ी मुतनाज़े है और उसके ऊपर बहुत बात हो रही है। क्यों हो रही है और इस फिल्म को उन्होंने अपने शौहर के साथ क्यों जोड़ा और कुछ अपने बारे में उन्होंने इंकशाफात किया, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। कुछ गुज़श्ता से पेवस्ता है, उसके बाद आपको हीरा मानी के बारे में बताऊंगी। हीरा मानी जो है, उनकी एक तस्वीर जो है सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है और लोग बहुत तनकीद का निशाना बना रहे हैं, आखिर ऐसा क्या किया है उन्होंने। तो मेरे ख्याल से हीरा मानी से ज़रा आगाज़ कर लेते हैं। हीरा मानी जो है अजीबोगरीब चीज़ें करती रहती हैं और बहुत ही बोल्ड है अपनी गुफ्तगू में, जैसा कि अपनी शादी मानी के साथ जो उनकी हुई उसके बारे में भी उन्होंने बड़ी बोल्ड गुफ्तगू की। बताया कि किस तरह से उन्होंने अपनी फ्रेंड को चीट किया, वो फ्रेंड जो कि मानी की दोस्त थी उसको बिट्रे करके मानी से उन्होंने किस तरह से दोस्ती की, और किस तरह से उस वक्त वो खुद भी मंगनी शुदा थी और उन्होंने मानी के साथ जो रिश्ता कायम किया, किस तरह से उनसे मिलने गई, किस तरह से उनके साथ उन्होंने दोस्ती को बढ़ाया। घर वाले भाई उनके समझते थे कि वो अपने मंगेतर से रात को फोनों पर बातें कर रही हैं, लेकिन वो फोन पर मानी से बातें कर रही होती थी। और वो कहती हैं कि मैं अपने मंगेतर को सिर्फ फोन मिलाती थी और मेरे घर वाले समझते थे शायद मैं उससे बात कर रही हूँ, मैं 1 मिनट में उससे फोन पर बात बंद कर देती थी और फिर मानी को फोन मिला के पूरी रात मानी से बातें करती थी। और फिर वो ये भी कहती थी कि कोई इस पर जो मर्जी कहे, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। तो इसी तरह की कुछ शख्सियत है। ये सब बात बताने का मकसद ये था कि कुछ शख्सियत हीरा मानी की ऐसी है कि वो बड़ी ही बोल्ड है अपने अंदाज में और अपनी गुफ्तगू में। अभी गुज़श्ता दिनों उन्होंने एक तस्वीर जो है वो शेयर की इंस्टाग्राम पर, अपने शौहर के बारे में उन्होंने बातें की। उन्हें 6 अदाकाराओं अदाकार जो है उनके साथ मिलाया कि कमिटमेंट उनकी सलमान खान जैसी है, बॉडी उनकी शाहरुख खान जैसी है। एक दफ़ा उन्होंने टॉम हैंक्स के साथ भी उनको मिलाया और बहुत सी चीज़ें वो इस तरह की करती रहती हैं और लोग उन्हें बड़ी तनकीद का निशाना भी बनाते हैं। लेकिन वो कहती हैं कि अगर मेरी मानी से शादी ना होती तो शायद मैं 5-6 शादियां कर लेती, क्योंकि मानी जो है शायद मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ इसलिए मैंने कभी दोबारा नहीं की, वरना मैं बड़ी दिल फेंकूँ। कहती मोहब्बत मैं मानी से करती हूँ लेकिन पसंद मुझे बहुत से लोग आ जाते हैं। तो इस तरह की बोल्ड गुफ्तगू करती है हीरा मानी। ये तो कुछ हीरा मानी के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया, लेकिन इस वक्त जो एक तस्वीर है जो बहुत ज़्यादा मरकज़ निगाह बनी है और लोग बहुत ज़्यादा इस पर ट्रोल कर रहे हैं हीरा को, वो बेसिकली एक फोटोशॉप से एडिट की हुई तस्वीर है जो हीरा मानी ने खुद की है। इसमें हीरा जो है वो खुद हैं, आपने मेरे थंबनेल पे देखा होगा तस्वीर, अपना चेहरा जो है उन्होंने काट कर ऐश्वर्या राय के जिस्म पर लगाया और उसमें सलमान खान जो है वो मौजूद है। और हम दिल दे चुके सनम की ये एक तस्वीर थी ऐश्वर्या राय और सलमान खान की, तो उन्होंने फोटोशॉप किया उसे और उसमें सलमान खान की तस्वीर को तो रहने दिया और जो ऐश्वर्या राय है उनके जिस्म पर अपनी शक्ल जो है वो लगाकर उन्होंने सलमान खान को जो है हैप्पी बर्थडे कहा, उनकी सालगिरह की मुबारकबाद दी और ये अपने इंस्टाग्राम पे शेयर की। जब उन्होंने ये इंस्टाग्राम पे शेयर की तो लोगों ने उस पर बहुत ज़्यादा उन्हें ट्रोल किया और कहा कि ऐसा लगता है कि अदाकारा जो है उनकी जहनी हालत जो है बड़ी ख़राब हो गई है और भारतीय अदाकारों के पीछे वो पागल हो गई हैं। और कुछ लोगों ने ये कहा कि ये पागल बनी जा रही हैं, इन्होंने अपने शौहर की जगह सलमान खान को दे दी है। फिर कुछ लोगों ने बड़े ही सख्त कमेंट्स किए कि जहनी हालत ख़राब है, इनको सुबह शाम जो है अद्वियात देने की ज़रूरत है। तो जनाब मैंने कहा कि आपके साथ शेयर कर लूँ कि क्यों लोगों ने ट्रोल कर रहे हैं। तो ये तो हीरा मानी की स्टोरी है। अब ज़रा आ जाते हैं फरियाल महमूद की तरफ। फरियाल महमूद जो है उनकी लेटेस्ट जो फिल्म है उस पर उन्हें बहुत ज़्यादा इस वक्त क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे सीन्स उन्होंने फिल्माए हैं जो अभी इस वक्त सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं जो लोग पसंद नहीं कर रहे। कुछ उनके बोल्ड डांसेस हैं, वक्री है फिल्म का नाम और इसे कहा जा रहा है कुछ शायद कंदील बलोच की स्टोरी के करीब करीब। एक सोशल मीडिया ऐसी इन्फ्लुएंसर जो अपनी ज़िंदगी में बहुत बोल्ड होती है और उसे किस तरह की मुश्किल का सामना करना पड़ता है, कुछ इस तरह की फिल्म है। अच्छा, अब इस फिल्म में उन्होंने एक और गाना है जिसमें वो गाना गा रही है कुछ अजीब हंगामा अंदाज में, टेबलों के ऊपर भाग रही हैं और गाने गा रही हैं जिसमें लोगों ने सख्त नापसंद कर रहे हैं। एक और गाना है जिसमें बहुत ही बोल्ड ड्रेसिंग में उन्होंने वो गाना फिल्माया है, उस पर भी लोगों ने क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन फरियाल महमूद जो है वो कहती है कि जो फिल्म बकरी है इसने ये मैं अपने साबिक शोहर के नाम करना चाहती हूँ। आपको याद होगा कि फरियाल महमूद की अपने शोहर से शादी हुई थी 2020 में, गालबन कोविड का टाइम था और उस वक्त भी बड़े छुप छुपा के शादी हुई थी और उसके बाद इतने ही छुप छुपा के अलहदगी और तलाक भी हो गई। और एक प्रोग्राम में गालबन एहसन खान का प्रोग्राम था जिसमें इन्होंने आकर बताया था कि अब हम अलहदा हो गए, लेकिन इन्होंने ज़्यादा बात नहीं की थी। इनके शोहर भी अदाकार थे और शोबे से उनका ताल्लुक था, तो ज़रा खामोशी इख्तियार की, ज़्यादा बात उनके बारे में नहीं की। लेकिन वो कहती हैं कि जैसे लोग की बातें कर रहे थे कि हमारी अलहदगी हो चुकी
चुके हैं, उस वक्त हमारी अलहदगी नहीं हुई थी, अलबत्ता अब हमारी अलहदगी हो गई है, हमारी राहें जुदा हो गई हैं। उस वक्त तो उन्होंने कुछ उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं की थी, लेकिन अब उन्होंने ख़ासतौर पर इस फिल्म को अपने शोहर के, साबिक शोहर के नाम किया, और उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी में मुझे बहुत सबक सिखाने वाले मेरे साबिक शोहर के नाम ये फिल्म है, मुझे बहुत मजबूत बनाया उन्होंने ज़िंदगी में ये सबक सिखा कर। तो अपनी इस फिल्म में बड़े बोल्ड एक्शन करती हुई नज़र आती हैं, और इंस्टाग्राम पर वक्री जो है उस फिल्म के अपने किरदार की तस्वीर उन्होंने शेयर की, और एक गाना भी जो है वो शेयर किया जिस पर लोगों ने बहुत उन्हें ट्रोल किया, और अलबत्त वो लोगों को कहती हैं कि जी आप लोग ज़रूर आएँ बड़े पर्दे पर देखें। अच्छा, फिर वो ये कहती हैं कि उनकी ज़िंदगी से मुतल हर कोई जानता है कि उन्होंने कितनी मुश्किल का सामना किया। अच्छा, मैं आपकी इनके फरियाल की ज़िंदगी के बारे में थोड़ा आपको बताऊँ कि बेसिकली ये एक ब्रोकन फैमिली की चाइल्ड थी, इनके वालद और वालदा में सेपरेशन हो गई थी, और इसकी वालदा जो है उन्होंने दो दफ़ा शादी और की, यानी कि तीन शादियाँ की, जिनमें से जो उनकी दूसरी शादी थी जब फरियाल 8 से 11 साल की उम्र के दरमियान थी, तो वो कहती हैं कि उनके जो सौतेले वालद थे उन्होंने उनको खूब हिरासा किया, और ऐसी कुछ हरकत थी जिनको वो किसी से बयान भी नहीं कर पाती थी, और बहुत तकलीफ दे अजियतनाक था वो उनका फैसला उनकी वालदा का। और जो तीसरी शादी थी वो भी कोई एक अच्छी शादी नहीं थी। बहुत ज़िंदगी में उतार चढ़ाव देखे, बाहर के मुल्क में रही, भूखा प्यासा रहना पड़ा, यहाँ तक कि वो कहती हैं कि एक दफ़ा मैं इतना परेशान हो गई थी कि मैंने अपने वालिद को फ़ोन किया और उनसे कहा कि अगर आप मुझे लेने ना आए तो मैं मर जाऊँगी। उसके बाद वो कहती है मेरे वालिद मुझे अपने साथ ले तो गए, लेकिन मैंने अपने वालिद के घर में होते हुए खुदकुशी की कोशिश भी की। वो कहती है मैंने अपनी ज़िंदगी में कई बार खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन पहली कोशिश मैंने अपनी सौतेली माँ की वजह से की। वालिद ने भी दूसरी शादी कर ली थी और उनसे उनकी तीन बेटियाँ थी। तो फरियाल कहती हैं कि मेरी वालदा जो है सौतेली वालदा वो मेरे पास आई, उन्होंने कहा कि तुम जब से हमारे घर में आई हो हमारे घर में लड़ाई शुरू हो गई है। कहती मुझे उस चीज़ कितनी तकलीफ हुई कि मैंने खुदकुशी की कोशिश की। उसके बाद वो ये कहती हैं कि मेरी वालदा से हम तीन बहन भाई हैं, यानी कि फरियाल के दो छोटे भाई हैं, और जो दूसरे सौतेली माँ है उनसे तीन बहनें हैं। कहती हैं कि मैं इन दो खानदानों को जोड़ती हूँ, ना मेरी छोटी बहनों को पता है कि उनके कोई दो भाई हैं और ना मेरे दो भाइयों को पता है कि उनकी ये तीन बहनें हैं, लेकिन मैं जो हूँ उनके दरमियान अब एक कनेक्टिंग सोर्स जो है वो बन गई हूँ। तो इस तरह की कुछ ज़िंदगी उन्होंने देखी और बड़ा हार्ड वर्क किया। वो कहती हैं कि जब मैं पाकिस्तान आई और मैंने जब शोबिस की दुनिया में कदम रखा तब मैं ज़रा मोटी थी, मुझे बहुत ट्रोल किया गया, ट्रोलिंग का निशाना बनाया गया, और उसमें मुझे मोटा कहा गया, मुझे मोटापे की वजह से रोल नहीं मिलते थे, सोशल मीडिया पर एक्टिव थी उसकी वजह से पहली बार एंट्री तो हो गई, लेकिन उसके बाद उनके रंग की वजह से। वो कहती हैं कि मुझे ये मशवरे दिए गए कि इंजेक्शन से पतली हो जाओ, इंजेक्शन से गोरी हो जाओ, इस तरह के। फिर वो कहती है रकीब जो ड्रामा मैंने किया उसमें मुझे बहुत ट्रोलिंग का सामना रहा, इन तमाम बातों के बावजूद वो कहती है मैं कभी मायूस नहीं हुई और अब मैं पहले से भी ज़्यादा बेहतर किरदार अदा कर रही हूँ, और इस फिल्म में लोग जो है मुझे देखेंगे एक बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में। और फरियाल महमूद ने अपनी पोस्ट में ये कहा कि उनकी फिल्म उनके साबिक शौहर की सालगिरह के दिन पर रिलीज होगी, और उन्होंने कहा कि ये फिल्म जो है ये मेरे शौहर के नाम, क्योंकि मैं बहुत रिलेट करती हूँ उन वाक़ात को जिसमें हुए, और मैंने अपनी ज़िंदगी में ये सब कुछ सीखा अपने शौहर की वजह से, अपने गुज़िश्ता साबिक शौहर की वजह से, क्योंकि उसने मुझे बहुत सबक सिखाए और मैंने अपने लिए फिर लड़ना सीखा, जिस वजह से आज मैं इस मुकाम पर हूँ। तो मैं इसके लिए उसकी शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे बेहतर होना और लड़ना सिखाया, बेशक बुरे तरीके से ही सिखाया, लेकिन ये सबक मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा। अब ये जो फिल्म है इसमें बहुत ही बोल्ड किरदार है, देखेंगे कि आने वाले वक्त में इस फिल्म को किस किस्म की पजीराई मिलती है। अलबत्ता मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ ये दो स्टोरी शोबिज़ की दुनिया से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।